आलम। मकसूद साहब आप कौन है तबरेज, मरहूम तबरेज के? मैं उनका छोटा चाचा। अच्छा, मतलब सगे छोटे चाचा। जी जी। ओके, आप पूरी बात बताइए कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो कहाँ रहते थे तबरेज, उम्र क्या थी? तबरेज की उम्र 24 साल है और वो पूना में काम करते थे, 7 से 8 साल से वहीं रह रहे थे और 2 महीना पहले वो आए थे अपने घर पे। हाँ। और 27 अप्रैल को उनकी शादी हुई और 27 अप्रैल को शादी हुई, उसके बाद वो 2 महीने हुई शादी की, मतलब इसी 27 अप्रैल 2019। जी जी, इसी 27 अप्रैल 2019 को। और वो अभी बोले कि ईद के बाद हम चले जाएंगे पूना और अपने फैमिली को लेके चले जाएंगे। ठीक। और इस 30 तारीख को? जी जी। और वो जमशेदपुर गए थे 17 तारीख को, क्योंकि 10 बजे रात को वो कॉल किए अपने अहलिया को, वाइफ को कॉल किए 10 बजे रात को कि मैं आ रहा हूँ। जी। और रात को कॉल करने के बाद और उनका कॉल नहीं आया। जी। और वो घर भी नहीं पहुँचे और उसकी वाइफ जो है वो इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई, वो सो गई। जी। जब फजर हुआ उस समय तकरीबन 5 बज रहा था। जी। तो 5 बजे उसका कॉल आता है कि साहिस्ता तुम जल्दी से आओ किसी को लेके। जी। और मुझे धतकीडी गांव में पकड़ लिया गया है और बहुत मारा जा रहा है और जल्दी से तुम हमको बचाओ। जी। वो बेचारी क्या करती है अकेले, वो इसको अगल बगल बोली सबको, हम लोग को खबर दी ऐसी ऐसी बात हुई है, तो हम लोग यहाँ से 5 लड़के 6 लड़के हम लोग यहाँ से निकले। जी। धतकीडी गांव। जी। जब धतकीडी गांव वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव वहां पे 2-3 गांव मिलके उसको पीटा जा रहा है, बहुत जबरदस्त पीटा जा रहा है, पोल में बांध के रखा गया है और उससे बोल बोल के मारा जा रहा है। क्या बोल के मारा जा रहा है? कि जय श्री राम बोलो, और एक बार जय श्री राम बोलो, और एक बार जय श्री राम बोलो, और उसको बोला जा रहा है कि तुम चोर हो बोलो। तो ये सब उसको साजिश में फंसा, मगर इस वीडियो में तो वो बार बार ये कह रहा है जय श्री राम, तो उसने दबाव में कहा है मगर कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ और मैं नहीं जानता, क्योंकि उस रास्ते से वो आ रहा था। जी जी। तो उससे नाम पूछ के मारा गया है। जी जी। उसको सबसे पहले उससे नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता अपना नाम सोनू अंसारी। जी। तो वहां पे बोलते है लोग कि ये सोनू अंसारी नहीं होता है बे मादर चोद, तुम अपना ओरिजिनल नाम बताओ। और ये बोला कि नहीं, मेरा नाम सोनू अंसारी। बोला कि ओरिजिनल बताओ, तो बोलता तबरेज अंसारी है। तो उससे जब तबरेज अंसारी बोलता है तो बोलता ये मुस्लिम है, ये साला कटुआ है, उसका वो वाला काट देना चाहिए, ये भी शब्द इस्तेमाल किया गया है। और उसको पीटा जा रहा है, बेरहमी से उसको पीटा गया और इतना पीटा गया कि गाँव वाले मिलके उसका जान ले लिए। उसके बाद जब वो अधमुरा हो गया, कोमा के हालत में चला गया, तब वहां पे पुलिस पहुंचती है और पुलिस आके वहां पर खड़ी रहती है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रहा है, वो फिर भी उसको मारा जा रहा है, पुलिस के सामने उसको मारा जा रहा है, प्रशासन वहां पे आके खड़ी है और उसको मारा जा रहा है। अब मारते मारते उसको अधमोरा जब कर दिया गया, उसके बाद उसको पुलिस के अंडर में दिया गया। पुलिस उसको लेके जाती है सरायकेला थाने में, चोरी के आरोप में लेके उसको सरायकेला थाना में जाती है और वहां पर उसको लॉकअप में डाल दिया जाता है। इलाज ना करा के पहले लॉकअप में डाल देते हैं? इलाज नहीं किया जाता है और लॉकअप में डाल दिया जाता है। और जब हमारे घर के सदस्य पहुंचते हैं पूरे फैमिली वहां थाना में, तो वहां पे उसको बोला जाता है, जब हमारे बड़े भाई थाना के अंदर गए तो बिपिन बिहारी सिंह कहते हैं कि तुम कौन हो? बिपिन बिहारी सिंह SHO जो वहां का थाना अध्यक्ष है? जी नहीं, वो वहां के SIO है। अच्छा, SIO है, ठीक है। केस आयो है वो? ठीक। केस आयो, वो कहते हैं कि तुम कौन हो? ये बोलते हैं मैं उनका चाचा हूँ। बोले साले यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी मार के पांव हाथ तोड़ देंगे और उसको भी यहाँ निकाल के अभी इतना मार मारेंगे कि यही मर जाएगा। इसी दरमियान हमारे बड़े भाई जो है थोड़ा डर जाते हैं, वो एक आलिम है, हाफिज है, कारी है, मुक्ति है, ग्रेजुएट है, तो अपना इज्जत के लिए वो बाहर आ गए और उनकी अहलिया जो थी और उनकी सास साहिस्ता परवीन और उसकी अम्मी, वो लोग बोलते हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। जबरदस्ती अंदर जाती है लॉकअप के सामने। हाँ। जब लॉकअप के सामने पहुंचती है तो वहां पर एक व्यक्ति आता है जो मोटा सा, उसका नाम पप्पू मंडल है। जेल के अंदर? थाना, मतलब थाने के अंदर, थाने के अंदर। हाँ। लॉकअप में, लॉकअप में पप्पू मंडल अपना उसका नाम है। और वो आके बोलता है ये साला अभी तक जिंदा कैसे है, इसको हम लोग इतना मारने के बाद भी अभी तक बचा कैसे, मर क्यों नहीं गया?
तो उसकी साहिस्ता की अम्मी उसको पूछती है तबरेज को कि ये कौन है, ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसकी अम्मी को वो बोलता है कि बहुत धीरे से, कुछ भी बात नहीं कर पा रहा था, धीरे से बोलता है कि यही है लोग है जो हमको मारे है और हमसे जय श्री राम का नारा लगवाए। और उसके बाद पुलिसकर्मी वहां से उसको कुछ भी नहीं करती है जी। और हम लोग के फैमिली को वहां से निकाल दिया जाता है। अब फैमिली जो है वो घर पे आती है अपना घर पे, और हमारे भाई भी आते हैं, गांव वाले से बात करते हैं, ऐसी ऐसी बात हुई है। तब तक हम लोग को गांव वाले को इकट्ठा करते बताते, तब तक पता चलता है कि उसको चलान कर दिया चुका जी। जी अब उसको जेल में भेज दिया गया। जब उसको जेल में भेज दिया गया तो उसको हम लोग उसके दूसरे दिन जेल पहुंचते हैं। जब जेल में पहुंचते हैं हमारे बड़े भाई साहिस्ता और उसकी अम्मी, तो उसको दो पुलिसकर्मी उसको पकड़ के लाता है, जो कि वो चल भी नहीं पा रहा और इतना रो रहा है दर्द के मारे, इतना रो रहा है कि वो अपना आंसू भी नहीं पोंछ पा रहा है। और दो पुलिसकर्मी उसको पकड़ के रखे हुए है, खड़ा भी नहीं पा रहा है, अपना हाथ को भी नहीं उठा पा रहा है। और वो बोलता है कि हमको जल्द से जल्द इलाज कराया जाए, हम बहुत तकलीफ में है और बहुत ज्यादा हमको चोट लगी है और जल्द से जल्द हमको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। तो हमारे बड़े भाई उसको दिलासा देते हैं और बोलते हैं ठीक है, हम लोग इसके लिए बात करते हैं। और वहां से फिर जेल से हमारे बड़े भाई और उसकी वाइफ ये लोग रिटर्न आते हैं। आने के बाद घर पे यहाँ पे बताते हैं ऐसी ऐसी बात हुई है, तो जेल में गए थे, ऐसे ऐसे हालात हुई है देख के उसको। तो हम लोग उसके दूसरा दिन फिर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में वकील को पकड़ते हैं, वकील से मशवरा करते हैं कि ऐसी से बात हुई है तो इसको क्या किया जाए। सबसे पहले तो हम लोग का डिमांड ये है कि उसको वहां से बाहर निकाला जाए और उसको ट्रीटमेंट किया जाए। तो वकील का कहना है कि इसको अभी ट्रीटमेंट के लिए बाहर आने नहीं देगा, सबसे पहले हम इसका नकल निकालते हैं, नकल कॉपी जब निकाले तो पता चला ऐसे ऐसी बात है। और वो बोलते हैं वकील कि इसको हम एक दिन स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद दूसरे दिन इसको हम फाइल करेंगे, और उसके बाद जैसे होता है अगर वहां से डॉक्टर, जेल के जो डॉक्टर है वो अगर लिख के देते हैं कि इसको रेफर किया जाए तो फिर इनको रेफर किया जाएगा यहाँ से। तब हम लोग बात करके वहां से रिटर्न आते घर पे। अब एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन पता चलता है सुबह सुबह उसको आनन फानन में सदर हॉस्पिटल में लाया गया। हम लोग को जब पता चलता है कि उसको आनन फानन में लाया गया तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आनन फानन में जब उसको लाया गया, एडमिट मतलब तीसरे दिन 18 तारीख के रात की 17 तारीख के रात की घटना है। 18 19 को नहीं, 20 को हॉस्पिटल लाया गया, नहीं 20 को नहीं, 22 को लाया गया। अच्छा। जो कि उसको इलाज भी नहीं कराया गया, जेल में भी उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया। इसमें जेल के जो डॉक्टर है वो सबसे बड़ा मुजरिम है, और जेलर भी। अच्छा। सब साजिश है, सब मिले हुए है, और ये लोग उनका ट्रीटमेंट नहीं किए और ऐसे ही उसको वार्ड में डाल दिया गया जी। और ऐसे ही वार्ड में डाल दिया गया। और हम लोग जब 22 के सुबह सदर हॉस्पिटल सरायकेला पहुंचते हैं तो वहां पर दो पुलिसकर्मी और भी ज्यादा ही लोग थे, पुलिसकर्मी लोग, जो हम लोग 7:30 में वहां पहुंचते तो हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जाता मिलने के लिए, और बोलते हैं अभी बाहर रुको। तकरीबन एक घंटा हम लोग बाहर ही खड़े रहे और 8:30 बज चुकी थी। उसके बाद बोले कि किसी एक को अंदर जाने की इजाजत है सुबह साढ़े आठ बजे, जो कि 7:30 में हम लोग सदर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। और 8:30 में बोलते हैं पुलिसकर्मी किसी एक को जाने की अंदर इजाजत है, तो मैं खुद अंदर जाता हूं और मेरे से डॉक्टर से बात होती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आप कौन है। मैं बोलता हूं मैं उनका चाचा हूं। तो डॉक्टर बोलते हैं ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये अब डेट कर गए। हाँ। तो मेरा माइंड काम नहीं करता है, मैं बाहर आता हूँ, अपने भाई को बताता हूँ, अपने फैमिली को सेव करता हूँ, उसके बाद अपने दोस्त लोग को बताता हूँ, फिर अपने गांव में कॉल करता हूँ, अपने रिलेशन में कॉल करता हूँ, फिर प्रेस वाले को कॉल किया मैं। उसके बाद वहाँ प्रेस वाले पहुंचे तो प्रेस वाले तकरीबन 10-11 बजे वहाँ पे पहुंचे। प्रेस वाले को पूरा वाकया बताया, इसी हुई, हम लोग सुबह 7:30 बजे आए थे, 8:30 तक मिलने नहीं दिया गया, और अभी देखिए 11 बज चुकी है, 10:30-11 अभी तक हम लोग को उसके साथ मिलने नहीं दिया गया है। तो प्रेस वाले लोग बोलते चलो हम लोग अंदर चलेंगे। हाँ। उस बॉडी को देखेंगे और उसके साथ एक फोटो लेना। जब हम लोग अंदर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर चादर एक डाला हुआ है,
और उसको हटाया जाता है, उसको जब देखते हैं उसके नाक से झाग निकल रहा है और झाग में उसका नाक में उबाल आ रही है, तो उस उबाल से हम लोग को पता चलता है। हमारे एक दोस्त है डॉक्टर लैंड से, वो चेक करते हैं तो बोलते हैं अभी इसमें जान है, ये तो मरा नहीं है। कितने बजे? ये 8:30 बजे आपको बोल दिया कि मर गया, लेकिन कितने बजे? 8:30 बजे डॉक्टर हमको बोल दिया कि इसकी मृत्यु भी हो चुकी है, ठीक है। और 11:30 बजे जब हम लोग अंदर जाते हैं 3 घंटा के बाद, तो पता चलता है अभी तक उसमें सांस बाकी है, अभी तक वो जिंदा है। तो हम लोग वहाँ पे डिमांड करते हैं इसको जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिया जाए और ईसीजी टेस्ट किया जाए। तब वहाँ पे ईसीजी टेस्ट उसको किया जाता है, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। जब अगर डॉक्टर वहाँ घोषित कर चुके थे कि 8:30 बजे मर चुका है, तो फिर उसको दोबारा ऑक्सीजन कैसे दिया गया और उसको दोबारा ईसीजी टेस्ट कैसे किया गया, इसके लिए डॉक्टर से हम जवाब मांगते हैं। और इसमें सदर अस्पताल के डॉक्टर सबसे बड़ा मुजरिम है। और उसके बाद उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, ईसीजी टेस्ट के हिसाब से पता चलता है कि अभी भी इसमें 10% जान है। तो हम लोग डिमांड करते हैं इसको कि इसको जल्द से जल्द जमशेदपुर TMH में रेफर किया जाए जी। तो हम लोग का डिमांड को मंजूरी नहीं किया जाता है। अच्छा। और तकरीबन 1 घंटा लगाया जाता है इसमें कि नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ करके वो लोग कहते हैं कि नहीं इसको TMH नहीं MGM भेजेंगे। मतलब दोपहर 12:30 बजे हालत बहुत सीरियस थी, लेकिन फिर भी आपको ना एम्बुलेंस दे रहे थे ना रेफर कर रहे थे। जी जी, मैं वही चीज बता रहा हूँ कि वहाँ 12:30 बज चुकी थी और हम लोग को रेफर के ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा था। बहुत जबरदस्ती हो अल्लाह, बहुत शोर शराबा करने के बाद प्रशासन से बहस हुई, डॉक्टर से बहस हुई, तब हम लोग को बोले कि ठीक है आप लोग लेके जा सकते। जब हम वहाँ पर डिमांड किए ठीक है हमको एम्बुलेंस दिया जाए, इमरजेंसी है, तो वहाँ पर 2 बड़ी गाड़ी एम्बुलेंस अवेलेबल थी जो हम लोग को नहीं दिया गया। अच्छा। और एक सोमो गाड़ी दिया गया जो एम्बुलेंस लिखा हुआ भी नहीं था और लाल बत्ती भी नहीं थी उसमें, और उसका स्ट्रक्चर भी बहुत छोटा था, जो उसका बॉडी फिट भी नहीं बैठ रहा था। हम लोग जबरदस्ती उसको जैसे तैसे उठाए और गाड़ी में डाले, उसके पाँव को मोड़े और उसके बाद हमारे बड़े भाई को उसमें बैठाए और गेट को बंद किए और वहाँ से निकाला गया। और उसके साथ साथ हम लोग निकले पीछे से, तो पीछे से निकलने के बाद कॉल आता है रास्ता में कि वो ड्राइवर बोल रहा है और 2 पुलिसकर्मी कि इसको TMH हम लोग लेके नहीं जाएंगे, इसको हम लोग MGM लेके जाएंगे। तो भाई हमारे हमको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे ड्राइवर और 2 पुलिसकर्मी बोल रहा है कि इसको TMH लेके नहीं जाएंगे, MGM लेके जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि अपना लाउड स्पीकर ऑन करो मोबाइल का, तो भाई लाउड स्पीकर ऑन करते हैं। तो मैं वहाँ भी बहुत सारा बात बोला ड्राइवर को भी बका, और मैं बोला अगर वो नहीं आना चाहते हैं TMH में तो कौन सा रोड से वो MGM लेके जा रहे हैं, या मीडिया वाले लोग आए हुए जो कि हम लोग सरायकेला सदर हॉस्पिटल से 40 से 45 मिनट में TMH पहुंच चुके थे और ये लोग रास्ता में ही थे। अब हमको बताया जाए कि ये कि अच्छा सेम दूरी आपने 40 से 45 मिनट में तय कर लिया जी, और जी, अभी जी। तक ये लोग एम्बुलेंस वाले से नहीं पहुंच पाए, वाले अभी तक गाड़ी से नहीं पहुंच पाए, मतलब सीरियस कंडीशन में। जी जी, सीरियस कंडीशन में भी वो नहीं पहुंच पाए थे और गाड़ी की स्पीड 40 से 35 से 35-40 की स्पीड में गाड़ी को चलाया जा रहा था, जो कि सरायकेला से TMH 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है, वो भी वो हाईवे है और कहीं कोई ट्रैफिक भी नहीं है। फिर भी ड्राइवर केयरलेस किया और ड्राइवर चाहता था कि रास्ता में ही उसकी मौत हो जाए और किसी तरह वो पहुंचे नहीं वहां जिंदा जी। तो फिर भी 1 घंटा 10 मिनट में वो रास्ता को तय किया, जो रास्ता को हमने 40 से 45 मिनट में तय किया। और वहां जब वो पहुंचते हैं तो इमरजेंसी रूम में हम लोग लेके जाते हैं, तो वहाँ ECG टेस्ट के हिसाब से पता चलता है कि डेट कर चुका है। अच्छा। तब वहाँ प्रेस वाले आते हैं, प्रेस वाले को हमने बहुत सारा स्टेटमेंट दिया और सब कुछ बताया, इसी से बात हुई है। उसके बाद बॉडी को फिर से रिटेन वहाँ से लाया जाता है सरायकेला में, तो उसको वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है। तो पोस्टमार्टम के लिए लाया, तो हम लोग ने वहाँ पे कंप्लेन किया कि हम लोग FIR दर्ज कराना चाहते हैं, तो हमारी FIR दर्ज कराने के वजह से वो लोग बोलते हैं कि नहीं है, पहले FIR दर्ज नहीं होगी, पहले इसको पोस्टमार्टम किया जाए। तो हम लोग डिमांड करते हैं कि पोस्टमार्टम करने नहीं देंगे, पहले FIR दर्ज होगा। तो पुलिस प्रशासन बहुत ही हम लोग को प्रेशर देते हैं और जबरदस्ती धमकाते हैं, चमकाते हैं और बोलते हैं कि नहीं पहले पोस्टमार्टम होगा। हम लोग ने पोस्टमार्टम का ऑर्डर नहीं दिया
और हम लोग से जबरदस्ती FIR लिखाया गया कि ऐसे ऐसे लिखो। अच्छा, खुद से लिखवा दिया कि ये चीज लिख दो? जी जी जी, ऐसे ऐसे लिखो, लिखवा के FIR को वहाँ पर लिया गया। उसके जल्दी जल्दी में हम लोग को लिखाया गया कि जल्दी जल्दी लिख के दो, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा, 4:30 बज चुका है और 5 बजे पोस्टमार्टम बंद हो जाएगी, 5 बजे के बाद नहीं होगी। और जल्दी जल्दी हम लोग से लिया गया, जो भी सका वो लिखवा दिया और हम लोग उसको लिख के दे दिए। और उसके बाद उसके पोस्टमार्टम हुई, उसके बाद जिस तरह से हमारे जो नियम है उसको हमने निभाया हमारे बॉडी को लगा। जी, हमारी कहना यही है और हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप इस केस में, क्या अब क्या चाह रहे हैं आप? जी, हम चाहते हैं इस केस में जो हमारे जेलर है और जेल के डॉक्टर है और प्रशासन है और सदर अस्पताल के डॉक्टर है जो उसको 8:30 बजे मृत्यु घोषित कर दिए थे और उसके बाद दूसरे डॉक्टर आते हैं, उनसे बहस होती है, वो डॉक्टर तो भाग गए जो मृत्यु घोषित की थी, उसके बाद जो 11:30 बजे दूसरे डॉक्टर आते हैं उससे बहस होती है, वो इलाज के लिए तैयार नहीं होते हैं, 1 घंटा उसमें टाइम लिया जाता है ऑक्सीजन ECG टेस्ट के लिए, तो वो लोग सब दोषीदार है। उसके साथ साथ धतकीडी गांव के जितने लोग हैं जो इसको मारे हैं और इसको मौत के घाट उतारे हैं, मॉब लिंचिंग के शिकार इसमें किया गया है, इसको हम लोग फांसी चाहते हैं।